दोस्तों, मैं YouTube पर 3 साल से एक्टिव हूँ। 2019 में जब पहली बार कोरोना आया था तो उस समय मेरी नौकरी चली गई थी। मैं प्राइवेट नौकरी करता था और प्राइवेट नौकरी में काफ़ी टाइम काम करने के बाद भी वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। और उधर मैंने जैसी नौकरी छोड़ी वैसे ही कोरोना आ गया। दूसरी जॉब मैं ज्वाइन करना जा रहा था लेकिन दूसरी जॉब का हो नहीं पाया कोरोना के कारण, मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने कई वीडियो देखे लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें था यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो, तो मैंने यूट्यूब पर भी अपना भाग आजमाने की सोचा। मैंने लगातार अपने वीडियो बनाए, कई छोटे वीडियो डाले, कई बड़े वीडियो डाले, उसमें मैंने कई वीडियो अपलोड करे। कुछ वीडियो चले और उस चलने के बाद वो रुक गए, तो मैंने फिर अलग अलग टेक चैनल पर जाकर देखा कि हम अपने चैनल का ग्रो कैसे कर सकते हैं, वीडियो पे व्यूज कैसे ला सकते हैं। तो कई चैनल पर समझाया जाता था कि आप थंबनेल अच्छा बनाओगे तो आपका वीडियो वायरल होगा, थंबनेल में आप चीज़ अच्छी अच्छी लिखो और जो चीज़ आपने थंबनेल में बताई हो, वीडियो में बताई हो, वो थंबनेल में लिखो, टाइटल भी आप अच्छा अच्छा लगाओ, टैग भी लगाओ, जब तक टैग नहीं लगाओगे वीडियो वायरल नहीं होगा। ये सब करने के बाद जब मेरे वीडियो वायरल नहीं हुए तो मैंने और टेक चैनल के वीडियो देखे, तो उसमें भी बताया गया था कि आप गलत तरीके से आप टैग लगाते हो, डिस्क्रिप्शन लगाते हो, वीडियो अपलोड करने का आपका तरीका सही नहीं है, तो आप ये क्या कर रहे हो, उस वीडियो को वायरल नहीं होगा। इस तरीके टेक चैनल वाले दिन आए दिन कोई ना कोई वीडियो लेकर आ जाते थे और मैं उनको फॉलो करने के बाद 2-4, 10-15 वीडियो बना लेता था और डालता रहता था, लेकिन चैनल कोई ग्रो नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैंने जब इस चैनल पे अपना उनके कहने पे एक नया चैनल बना लिया, जो कि ये चैनल है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किए क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आपका पुराना चैनल डेड हो रहा है तो आप नया चैनल बना लो, नए चैनल से ग्रो होगा। जैसे वो हमें कहते हैं वैसे वो कई लोगों को कहते हैं, लेकिन नया चैनल बनाने के बाद भी अगर मैंने यहाँ पे रियलिटी एनालाइज की कि यूट्यूब में होता क्या है, आखिर नया चैनल बनाने के बाद मैंने पुराने चैनल का एक्सपीरियंस लिया, उसी के अनुसार टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन भी लिखा, सब कुछ लिखा, उसके बाद भी मेरा वीडियो नहीं चला। क्योंकि कारण क्या है, 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे हो जाने के बाद जब यूट्यूब इम्प्रेशन ही नहीं भेजेगा तो वीडियो कहाँ चलेगा। यूट्यूब की क्रिया समझ में नहीं आती, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चैनल ग्रो हो जाते हैं लोगों के। मैंने उनके अनुसार ही काम किया, नया चैनल भी बना लिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं यूट्यूब ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं।